नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट के पांच सबसे जो महंगे शेयर है उसके बारे में। दोस्तों, इस महंगे शेयर को सिर्फ बताने का मकसद नहीं है कि ये स्टॉक कैसे इतना बेहतरीन रिटर्न दिया और कैसे ये स्टॉक मार्केट के सबसे महंगे शेयर बन चुके हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा जो कंप्लीट डिस्कशन होगा वो फंडामेंटल पर बेस्ड होगा, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा। इसमें हम टेक्निकल चार्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये पहले नंबर पे है 3M इंडिया लिमिटेड, काफी बेहतरीन स्टॉक है और करेंट प्राइस देख लीजिए 26,110 रुपया है और ये प्रीवियस डे 151 रुपया डाउन था। तो हम करेंट प्राइस इसका सिर्फ देख लिए और रिसेंट टाइम में हम इसका बात नहीं करेंगे, हम इसका बात लॉन्ग टर्म में करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसे परफॉर्म किया इसके बारे में बात करेंगे, तो हम शॉर्ट टर्म को यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक साल से स्टार्ट करते हैं, वन ईयर में देखिए 42% अप है। आप जो भी हम महंगे स्टॉक, पांच महंगे स्टॉक बताने जा रहे हैं, पांचवें नंबर पे हमारा ये है तो फर्स्ट नंबर तक पहुंचेंगे। ये देखिए एक साल में पॉजिटिव है और पांचों शेयर जो आपको बताने जा रहे हैं सारे के सारे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, एक साल पे, पांच साल पे, मैक्सिमम ईयर में तो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने मिलेगा। इसलिए ये शेयर इतने महंगे हैं और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया इस पांचों शेयर ने अपने इन्वेस्टर को। वन साल में 42% का रिटर्न, 5 ईयर्स में 108% का रिटर्न और मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए 3,994% का रिटर्न, मतलब लगभग 4,000% का रिटर्न। हर टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव रिटर्न है, मतलब ये अपने इन्वेस्टर को अभी भी वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है। मतलब जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया उनका वेल्थ अभी भी बढ़ रहा है, उनका वेल्थ लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे आपको और सारे इसके अच्छे अच्छे चीज़ें देखें। देखिए टोटल डेट, डेट कंपनी को पढ़ाई ही नहीं, मात्र 42 करोड़ का डेट है, मात्र 42 का, और इक्विटी कितना का है देखते हैं 1750। इतना करोड़ का मतलब कंपनी को पास इक्विटी है जबकि डेट कंपनी के ऊपर मात्र 42 करोड़ का है। अब इसमें बात करें 100% जो एनालिस्ट है वो इसमें बाय का रेटिंग दे रखा है, तो इस स्टॉक को अभी बाय करने का हम रिकमेंडेशन नहीं जानेंगे, लास्ट में जानेंगे। लास्ट में आपको बताएं क्या ये स्टॉक आपको बाय करना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, देख सकते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखिए कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ है। इस साल पैंडेमिक आया है तो थोड़ा सा डिक्रीज देखने मिल रहा है, बस थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। और ये जो रेवेन्यू है ये 1000 करोड़ में है, आप ऐसा मत समझिएगा, ये 1000 करोड़ में है कि इतना कम रेवेन्यू 2 करोड़ 3 करोड़ मत समझिएगा, ये है 2,400 करोड़ इतना रेवेन्यू। तो रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है, तो हर पैरामीटर पे आप देखेंगे तो कंपनी काफी पॉजिटिव है, काफी अच्छा रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट ये भी देखते हैं काफी बेहतरीन स्टॉक है, 28,153 रुपीज करेंट प्राइस है और जो पिछले दिन है 194 रुपीज डाउन था, लेकिन ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को क्रिएट करके दिया है। देखिए किसी भी टाइम फ्रेम पर, वन ईयर का टाइम फ्रेम लेते हैं, 32.9% का पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स 103% का पॉजिटिव रिटर्न। इतना बड़ा स्टॉक है, इतना बड़ा शेयर है का प्राइस है, उसके बाद हर टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं पॉजिटिव, मतलब अभी भी इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड है इस शेयर को बाय करने में। मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए 46,000% का पॉजिटिव रिटर्न, तो हर टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना सॉलिड रिटर्न है। ये भी टेक्निकल चार्ट है, लेकिन टेक्निकल चार्ट को जब आप कैंडलिस्टिक पैटर्न में देखते हैं तो आपको जो प्राइस का बिहेवियर है वो अच्छे से दिखता है। ये भी है, आप यहाँ एक विजुअलाइजेशन, मतलब एक जो पिक्चर है इसके रिटर्न का, मतलब इस शेयर के प्राइस के ग्रोथ का, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहा है। अब वहीं टोटल डेट की बात करें, 3,160 करोड़ का टोटल डेट है कंपनी के ऊपर, जबकि टोटल इक्विटी 13,000 करोड़ के पास है कंपनी पास इक्विटी। अब नीचे चलते हैं तो इसका जो मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं श्री सीमेंट, बनगुर सीमेंट और जो इसके पीस है उसके साथ कंपेयर देखते हैं। मेन चलते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड पर, देखिए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 13,940 करोड़, तो लगातार देखते हैं कि जो रेवेन्यू है मतलब जो सेल्स है कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट देखें यहाँ तो 2018 से 19 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, उसके बाद देखते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है, तो थोड़ा सा कभी डिक्रीज इंक्रीज होता है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है पॉजिटिव रहा है। तो जब कंपनियाँ अच्छे ग्रोथ आपको देगी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में, अपने सेल्स और रेवेन्यू में, वही कंपनी के शेयर के प्राइस में भी आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे
कि उसमें जो है ग्रोथ हमेशा होता है, मतलब उसी में इन्वेस्टर को अच्छा वेल्थ क्रिएट करने के लिए मौका मिलता है। तो हमेशा आपको चुनना है जिस जो कंपनी ग्रो कर रही है, जो अपना सेल्स और रेवेन्यू लगातार इंक्रीज कर रही है, वैसे कंपनियों के साथ ही आपको जाना है। अगला है पेज इंडस्ट्रीज, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। देख लीजिए 31,043 रुपया का ये मतलब स्टॉक है और 573 रुपया अप था। देख ले इतना महंगा शेयर, उसके बाद 573 रुपीज अप एक दिन में, 1 ईयर में 59% का पॉजिटिव रिटर्न, 5 ईयर्स में 124% का पॉजिटिव रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में 11,408% का पॉजिटिव रिटर्न। मतलब हर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा होगा, और इसके फाइनेंशियल ट्रेंड देखिएगा तो भी पॉजिटिव। मतलब जो अच्छे स्टॉक है, जो मल्टीबैगर स्टॉक है, उसका फाइनेंशियल ट्रेंड, उसका शेयर प्राइस का जो ग्रोथ है, यहाँ पिक्चर आप देख रहे हैं कि शेयर प्राइस में भी ग्रोथ दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ गिरावट आ जाती है, एक अपॉर्चुनिटी था बाय करने का, फिर देख सकते हैं लगातार एक हाई बनाया, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया, लेकिन फिर से अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुँच चुका है स्टॉक। तो ये सिर्फ कैंडलिस्टिक चार्ट पे देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखता है कि प्राइस का जो बिहेवियर है, और यहाँ पे भी आप प्राइस का ही ये बिहेवियर देख रहे हैं, प्राइस किस तरह से बिहेव किया है ऊपर जाने में से, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ। और इतना महंगे शेयर होने के बावजूद ये एक मिड कैप कंपनी, अभी लार्ज कैप बनना बाकी है, जब लार्ज कैप बनेंगे तो ये कई लाख रुपीज का एक शेयर होगा। अगर डेट की बात करें, मात्र 176 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, देखते हैं 176 करोड़ का डेट। वहीं टोटल इक्विटी की बात करें 819 करोड़ का कंपनी के पास इक्विटी है। और फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है, इसमें तो कभी रेवेन्यू में डिक्रीज भी नहीं हुआ, देख सकते हैं लगातार रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, 2.15,000 करोड़, 2.57,000 करोड़, 2.89,000 करोड़, 2.97,000 करोड़, लगातार रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक कहिए कि प्रॉफिट कांस्टेंट हो गया है, ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज, लेकिन हमेशा कंपनी जो है फाइनेंशियली परफॉर्म किया है। क्यों परफॉर्म किया है, इसके पीछे रीजन इसका ब्रांड, देख सकते हैं जॉकी ब्रांड काफ़ी बेहतरीन ब्रांड है। तो वैसा कोई भी कंपनी जिसका आप जो देख रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट मार्केट को लीड करता है और वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कंपनी को, और लॉन्ग टर्म में हमेशा वो रेवेन्यू को इंक्रीज करेगा कंपनी को, निश्चित है उसके शेयर प्राइस में भी आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। अगला स्टॉक है हनीबेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, 41,927 रुपये का ये शेयर है, 18.40 रुपया डाउन है। और ये स्टॉक भी देखिएगा तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो देखिए 1 ईयर में 46% अप है, 5 ईयर्स में देखिए 364% अप है, और मैक्सिमम ईयर में बात करें तो 7,500% अप है। तो ये स्टॉक भी अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। इस कंपनी में भी आप जब देखिएगा इसका, तो डेट देख लीजिए मात्र 80 करोड़ का, तो मतलब डेट फ्री कंपनियां हैं। तो जो डेट से लदी हुई कंपनियां हैं, डेट बर्डन जिस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, वैसी कंपनियां आपको इस तरह का रिटर्न नहीं दे सकती। टोटल इक्विटी की बात करें, 2,178 करोड़ का टोटल इक्विटी है कंपनी के पास। आप वहीं नीचे चलते हैं, कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है देख लीजिए, लगातार कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जो सेल्स है, सेल्स जो सेल कंपनी करती है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, देखिए 2.45,000 करोड़, 2.72,000 करोड़, 3.25,000 करोड़, 3.39,000 करोड़, और यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट तो लगातार जंप हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट लगातार जंप हो रहा है लगातार। तो कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज, कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से कंपनी जो है काफ़ी अच्छे तरह से अपने इन्वेस्टर को वेल्थ जनरेट करके दे रहा है। तो ऐसी कंपनियों में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही डेट फ्री कंपनियों में, तो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलता है। अगला है MRF लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, 84,918 रुपीज का ये स्टॉक है, और ये तो लगभग जो अगर मैक्सिमम बात करें 99,000 तक ये जा पहुँचा था, 99,000, देखिए यहाँ पर 98,599, मतलब हमने जो बोला उससे मात्र 400 रुपये नीचे बोलेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक है, 1 ईयर में देख सकते हैं 32% अप है, अभी भी अप है, जबकि देख सकते हैं अपने हाई से लगभग 15,000 नीचे है,
उसके बावजूद ये वन ईयर में काफ़ी अप है 32%, फाइव ईयर्स में देखिएगा 155% अप, और मैक्सिमम ईयर में बात करें 3116% का रिटर्न, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न क्रिएट करके दिया है। और टोटल डेट की बात करें 1854 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, और इक्विटी जो है 12,000 करोड़ का इक्विटी है कंपनी के पास। और फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड किस तरह से लगातार इंक्रीज हुआ है, 13.74 करोड़ कंपनी का यहाँ सेल्स और रेवेन्यू है, 15.29 करोड़, 16.48 करोड़, 16.57 करोड़, तो लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है सेल्स है इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट करें तो यहाँ 2017 से 2018 कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल फिर से कंपनी का प्रॉफिट लगभग कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जो है ग्रो नहीं हो रहा, ऐसे भी ऑटो सेक्टर काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म है, उसके बाद इस कंपनी के प्रॉफिट में आप डिक्लाइन नहीं देख रहे हैं। जैसे ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा कंपनी, क्योंकि ये टायर बनाती है तो निश्चित है कंपनी जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इन्वेस्ट जनरेट करेगा, जिससे इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा फायदा होगा। क्योंकि जैसे प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें ग्रोथ होता है, शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने मिलेगा, तो फिर ये शेयर जो है आपको 1,00,000 के एवब भी देखने मिल सकता है। तो ये थे 5 महंगे शेयर। अब बात करते हैं इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मिलना था इसके इन्वेस्टर को मिल चुका है। आगे भी हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से 5,00,000 रुपीज चला जाए, मतलब अच्छा खासा यहाँ से जनरेट करके दे रिटर्न, लेकिन इस ऐसे शेयर में आपको वो वेल्थ क्रिएट करने का मौका नहीं मिलेगा जो अभी ग्रो करना स्टार्ट हुई है जो कंपनी, उसमें आपको मिलेगा। तो जो कंपनी अभी ग्रोथ करना स्टार्ट की है उस कंपनी के साथ चलिए, इन सारे स्टॉक को छोड़ दीजिए। इन सारे स्टॉक में अभी आपको, तो फिर आप बताएंगे कि ये इस वीडियो को क्यों बनाया, इसीलिए कि जानकारी के लिए किस तरह से कंपनियां जो है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देती है, और हमारे स्टॉक मार्केट में कौन ऐसी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टर को अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया है, इस बारे में जानिए, और उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए कि ऐसा क्या था जो ये कंपनी ही इतना रिटर्न अपने शेयर होल्डर को जनरेट करके दिया, दूसरी कंपनियों क्यों नहीं दिया, क्योंकि और बहुत सारी कंपनियां हैं वो इतना वेल्थ जनरेट क्यों नहीं किया अपने शेयर होल्डर के लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।